हाय गाइस, मैं एक अच्छे एक टॉपिक लेकर आया हूँ आज, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ किया जाता है और कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो लाइन में बने रहे। फायर एक्सटिंग्विशर आग से बचाव का एक युक्ति है जिसके सहायता से हम लोग छोटे से छोटे आग को बुझाया जा सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर 4 टाइप की होती है, ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर एंड डी क्लास फायर। ए क्लास फायर इज सॉलिड फायर, बी क्लास इज लिक्विड फायर, सी क्लास इज गैस फायर एंड डी क्लास इज मेटल फायर। हम लोगों को तो पता चल गया कितने टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर होता है, लेकिन अभी पता करना है कैसे हम लोग यूज़ करना है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कैसे यूज़ करना चाहिए। सिम यूज़ करने का तरीका सीखने के लिए इजी मैटर है, पास वही याद रखना है हमेशा। यूज़ करने के पहले हम लोगों को एक्सटिंग्विशर को लेकर पहले उसका पिंग रिमूव करना है। इसके बाद एक्सटिंग्विशर का नोजल से फायर में एम लगाना है। बाद में हम लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर का लेवल और फायर का लेवल मिलाना है, ताकि जहां में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें डायरेक्टली फायर में शूट हो। पास का लास्ट रहा एस, एस का मतलब स्वीप, स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब इस तरफ से उस तरफ। अभी जानना है कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन सी जगह में कौन सी चीज़ में यूज़ करना है, चलिए मैं बताता हूँ। ये है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ये हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं लिक्विड में, पेंट में, पेट्रोल में और इलेक्ट्रिकल आइटम्स में। बट और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल आइटम में यूज़ करने के पहले मेन स्विच ऑफ करना ज़रूरी है, नहीं तो जान भी जा सकता है। हमेशा याद रखना है कभी भी इलेक्ट्रिकल आइटम में फायर होने से इमीडिएटली मेन स्विच ऑफ करना है। नेक्स्ट ये है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। ये हम लोग पेपर, वुड, पेंट, पेट्रोल, मटेरियल, कंप्यूटर हर चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये बेसिकली यूज़ करना चाहिए वुड, पेपर, क्लॉथ, कॉटन बॉक्स, ये सब में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट ये है फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। ये बेसिकली यूज़ होते हैं लीकर स्टोर में, पेंट में, डीजल एरिया में, ये सब में ये यूज़ होता है। ये फॉर्म वाटर सेम ही है लेकिन वो थोड़ा अलग है। एक्चुअली ये भी और एक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। ये बेसिकली यूज़ होता है कुकिंग ऑयल में, जब आग लगता है तब इसको ब्लैंकेटिंग करने के लिए भी एक फॉर्म है, फॉर्म के तरह ही होता है ये भी। और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, कभी भी शॉर्ट सर्किट से फायर होने से इलेक्ट्रिकल आइटम्स में कभी भी डायरेक्टली आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ मत कीजिए। पहले आप लोग को हमेशा याद रखना है मेन स्विच ऑफ के बारे में। हाय गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।